और हमारी जनता, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो लेके आ चुके हैं नई मूवी आपके लिए, द ओवरनाइट। इस मूवी में दो कपल होते हैं जो कि रात भर एंटीमेट होने का प्लान करते हैं। तो क्या होता है आगे पूरी रात, इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी और आपको पसंद भी आएगी। तो कर लेते हैं हम मूवी को स्टार्ट। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एंटीमेट हो रहे होते हैं। लड़के का नाम एलेक्स होता है और लड़की का नाम एमिली होता है। वो दोनों धक्का पेल लगे होते हैं, तभी वहाँ पर उनका बेटा आ जाता है और मौसम ठंडा हो जाता है। फिर एमिली अपने काम पर चली जाती है। एलेक्स के पास कोई काम नहीं होता क्योंकि वो नए नए ही इस शहर में शिफ्ट हुए होते हैं। और फिर वो अपने बच्चे को पार्क में ले जाता है। एमिली भी वहाँ पर अपना काम खत्म करके आ जाती है। उनके बेटे के पास एक लड़का आ जाता है दूसरा, वो उसके साथ खेलने लगता है। और थोड़ी देर बाद एक आदमी वहाँ पर आता है, फिर वो एमी और एलेक्स से बात करने लगता है आके। उसका नाम कार्ट होता है। वो बताता है कि जो आपके बच्चे के साथ खेल रहा है वो मेरा बेटा है। फिर वो बातें करते हैं काफ़ी, और जाने से पहले वो उन दोनों को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, तो वो हाँ बोल देते हैं। उसी रात वो उसके घर जाते हैं। घर पर पहुँचते ही उसकी वाइफ शार्लेट उस दोनों का वेलकम करती है। और फिर वहाँ कार्ट आता है और फिर वो उससे बातें करते हैं और वो दोनों उसके घर की तारीफ भी करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा और आलीशान होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम काम क्या करते हो जिससे तुम इतने अमीर हो। फिर कार्ट उनको अपने किचन में ले जाता है और उसे एक पानी भर के देता है एलेक्स को। वो जब उसे पीता है तो वो कहता है कि ये तो काफ़ी फ्रेश वाटर है। तो कार्ट उन्हें बताता है कि जो तुम पानी पीते हो वो कैंसरस होता है और मैं केवल एक प्योरीफायर बनाता हूँ जिससे ये इतना फ्रेश पानी आता है और यही मेरा काम है। और फिर कार्ट और उसकी वाइफ किस करते हैं और काफ़ी रोमांटिक मूड में होते हैं। उन्हें देखकर इन दोनों को काफ़ी अजीब लगता है। फिर वो डिनर करते हैं सारे मिलके और खाना खाने के बाद वो एक दूसरे से बैठकर बातें करते हैं। एलेक्स शार्लेट से पूछता है कि तुम क्या करती हो, तो वो बताती है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। फिर कार्ट कहता है कि इससे पहले ये काम करती थी। फिर कार्ट एक DVD प्ले करता है जिसमें ये देखते हैं कि शार्लेट अपने बूब्स के ऊपर पंप लगाए है और वो उससे दूध निकाल रही है बाहर। इसको देखकर उन दोनों को काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है। कार्ट DVD बंद कर देता है फिर, और फिर वो कार्ट ड्रग्स लेके आता है और फिर वो सब ड्रग्स लेते हैं खूब सारा। और ड्रग्स लेने के बाद वो नशे में हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं, यहाँ तक कि उन्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और फिर वो स्विमिंग पूल में आ जाते हैं। कार्ट और शार्लेट दोनों टोटली न्यूड होकर उतर जाते हैं पूल में और फिर वो उन दोनों से भी ऐसा करने के लिए कहते हैं, पर वो पहले किनारे में जाके डिस्कस कर लेते हैं। एमिली बोलती है कि यह शायद सही है, इनका कल्चर ही ऐसा है, तो हम लोग कर लेते हैं। तो एलेक्स उसे मना करता है और कहता है कि हम केवल चड्डी बनियान में जाएंगे। और फिर वो दोनों भी पूल में उतर जाते हैं और सब काफ़ी खूब इंजॉय करते हैं। फिर शार्लेट एमी को लेके वहाँ से कहीं बाहर चली जाती है और कर्ट और एलेक्स यहाँ पे पूल में बैठ के बात कर रहे होते हैं। शार्लेट उसे कार में लेके जा रही होती है, तभी एमी उसे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो शार्लेट उससे कहती है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। और फिर शार्लेट उसे एक स्पा में ले जाती है और उसे एक रूम में बंद कर देती है और खुद दूसरे रूम में चली जाती है। और फिर गेट के होल से एमिली उसे शार्लेट को देखती है, तो वो तेल लगा के एक आदमी को हैंड चॉप दे रही होती है। वो ऐसा करते हुए एंजॉय भी कर रही होती है। उसके बाद वो दोनों फिर घर आने लगते हैं। शार्लेट उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम अपने पति को धोखा क्यों दे रही हो। तो वो कहती है कि मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ और मुझे ये करना पसंद है। और घर जाने पर एलेक्स से वो कहती है कि यहाँ से हमें चलना चाहिए। तो वो कहता है क्यों, यहाँ पर आने का प्लान तो तुम्हारा ही था। तो शार्लेट बताती है कि यह लोग मुझे अजीब लग रहे हैं और अभी मैं शार्लेट के साथ जब वैसे एक स्पा में गई थी तो वहीं एक आदमी को हैंड चॉप दे रही थी और मुझे ये देखकर काफ़ी अजीब लगा। फिर हम देखते हैं कि शार्लेट एलेक्स को बेडरूम में लेकर जाती है और उसे पूछती है कि क्या वो उसे अट्रैक्टिव लगती है, तो वो बोलता है हाँ। और दूसरी तरफ एमिली कर्ट से बात कर रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम लोग काम क्या करते हो, क्योंकि तुम लोग मुझे बहुत अजीब लग रहे हो। फिर कर्ट DVD प्ले करता है और यहाँ पर एलेक्स से वो बात कर रही होती है। तो शार्लेट उसे बोलती है कि तुम अपनी वाइफ के अलावा और भी अफेयर रख सकते हो। तो एलेक्स कहता है हाँ,
मैं रख सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि कर्ट अपनी बीवी का दूध निकालकर टेस्ट कर रहा होता है और कहता है कि यही मेरा असली बिजनेस है। और हम देखते हैं कि एलेक्स को वो किस कर रही होती है, पर एलेक्स को काफ़ी अजीब लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि शार्लेट और एलेक्स के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो लोग ऊपर देखने जाते हैं, तो वो देखते हैं कि एलेक्स उसे मसाज ले रहा होता है। फिर एमिली एलेक्स को किनारे लेके जाती है और उसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो बोलता है कि वो मसाज ले रहा था क्योंकि उसने बोला था कि वो अच्छी देती है मसाज। फिर वो एलेक्स उससे कहता है चलने के लिए क्योंकि वो लोग उसे बहुत अजीब लग रहे होते हैं। तब एमिली भी वही कहती है और डिस्कशन ख़त्म होने के बाद वो लोग उनसे बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि तुम लोग बहुत अजीब हो और हम यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। पर शार्लेट उनसे कहती है कि तुम हमें पसंद हो, तभी हम लोग इतना इंजॉय कर रहे थे तुम्हारे साथ, पर अब तुम्हें अजीब लग रहे हैं इसके लिए सॉरी। फिर वो उन्हें बताती है कि मेरे हस्बैंड गे हैं। उनसे कहती है कि पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले वे ठीक थे, पर बीच में इनकी पसंद बदल गई, अब इन्हें लड़के पसंद हैं। यह सुनने के बाद वो दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं। फिर वो जा रहे काफ़ी सारा ड्रग्स लेते हैं, फिर वो खूब नशे में बातें करते हैं और सुबह हो जाती है। एमिली बोलती है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना था। फिर वो ग्रुप हग करते हैं, कर्ट एलेक्स को किस करने लगता है। उसके बाद कर्ट एलेक्स के कपड़े उतार देता है, एलेक्स भी कर्ट के कपड़े उतार देता है, उसे एक हैंड चॉप देता है। और उसके बाद स्केलेट और यहाँ पे एमिली भी जुटे होते हैं, पर जैसे ही वो इंटीमेट होने वाले होते हैं तभी वहाँ पर उनके बच्चे आ जाते हैं और सब अलग अलग हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद एलेक्स और एमिली पार्क में होते हैं, तभी वहाँ पर कर्ट और शार्लेट भी आ जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। शार्लेट बोलती है कि अब उनके बीच सब ठीक है, कर्ट सही हो गए हैं, और फिर वो मिलने का प्लान बनाते हैं एक दिन का, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, प्लीज़ फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।